जैद बाबू सुबह सुबह आ गए मेरे पापा के पास। हाँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हाँ मेरे पालीची पिता के साथ पारीची स्माइल के साथ सुबह सुबह बली पापा पास आ गया। हाँ और देखो हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा चल रही है, अभी दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। हाँ कितना ज़्यादा कॉल आए मेरा शहजादा पारा पारा। हाँ हाँ सैद हजू इस्माइल खेलो इस्माइल खेलो, सुबह सुबह सबका दिन बनाओ। हाँ अली भैया अली भैया, बड़े पापा के साथ। हाँ भले पापा भी छुई छुई कर ले। और जैद बाबू उठ गया, बड़े पापा को उठाने आया है। जल्दी जल्दी उठ जाओ, बहुत सारे काम है, कैसे मैनेज कर लोगे? हाँ निकाल रही हूँ। तो गाइस सुबह सुबह फरहान जा रहा है मार्केट काम से, सब्जी वगैरह लाने के लिए। और देखिए हमारे यहाँ कितना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, और सुबह 9 बजे का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा कोहरा है। देखो गाय गाय को सर्दी लग रही है बहुत ज़ोरों की, देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है आज। ये देखें पापा के शूज पहनकर निकल लिए भाई साहब। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जाओ जल्दी आना बेटा, ना अच्छे से जाना आराम से। ये देखो चिकू भाग गई, ये देखो सुबह सुबह ये देखें चिकू निकल पड़ी। चिकू अंदर चलो, चिकू सर्दी हो रही है ना बेटा, चल अंदर चिकू। ये देखो सर्दी में सुबह सुबह यहाँ आकर बैठ गई। क्यों आई है बेटा सुबह सुबह बाहर, सर्दी हो रही है ना, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर जाओ अंदर, आना नहीं तेरे पीछे पीछे जाओ जेरी 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 नहीं जाती बाहर। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अंदर मसाला रेडी करने के लिए। फरहान सब्जी लेकर आएगा, तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँगी। और खाने में मैं बना रही हूँ आज कीमा मटर, तो उसके लिए मसाला रेडी कर रही हूँ, फटाफट से छील लेती हूँ। फरहान आएगा ना, तब तक मैं मसाले को भुनने रख दूँगी, तो उसे क्या है कि मेरे टाइम की बचत हो जाएगी और मैं लेट भी नहीं होऊंगी, तो इसलिए फटाफट मसाला छील रही हूँ। उसमें आटा लगा रही है, निकाल लिया है आटा, आटा लगाएंगी और मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो फटाफट से दोनों मिलकर इस तरह से हमारे काम को निपटाएंगे आज। तो यहाँ पर हमारा कीमा मटर का मसाला जो है ना वो मैंने छोक दिया है, और उज़्मा ने लगा दिया है आटा। तो बस चपातियाँ भी साथ के साथ बनाऊँगी, क्योंकि टाइम कम काम बहुत ज़्यादा है। और कीमा भी मैंने धुल लिया है, मटर मम्मी ने छील दिए हैं, मम्मी की भी हेल्प ली दे कभी कभी हम, तो यहाँ पर मटर हमारी मम्मी ने हमें छील कर दिए हैं। तो बस फटाफट से खाना बनाऊँगी, और मम्मी जैद बाबू को खिला रही हैं, उज़्मा झाड़ू वगैरह लगा रही हैं। तो हमारा जैद जो है ना वो रो रहा है कि दूध के लिए, और ये रही उज़्मा। तो ये सारे रूमों को क्लीन करेंगी, मैं फटाफट से खाना बनाकर रेडी करूंगी। तो बस नहा धोकर रेडी होकर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे वहीं जाने के बाद दिखाएंगे आपको। फिलहाल बने रहे हैं ना उज़्मा, सस्पेंस। जैद को बड़ी मम्मा लेके आ गई दादी अम्मी के पास 6 दिनों मिलवाने। हाँ मिले जैद परेशान हो रहा था। हाँ वो नींद आ रही है बहुत जोर से, सुबह का उठ गया हूँ मैं जल्दी का मजा लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो भाग के? हाँ भाग के कहाँ जा रहे हो? ये देखो नींद आ रही है उसमें, सुला दो इसे बाद में लगा लेना झाड़ू। ये देखो गुस्सा कर रहा है वाली, देखो मुंह तो देखो उसका, देखो। तो गाइस एक साइड पर मसाला बन रहा है, और दूसरी साइड पर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। तो रेहान फरहान आज नाश्ते में खा रहे हैं पराठे, तो उनके लिए पराठे सेकना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर एक पराठा जो है ना वो सेक चुका है, तो बस बच्चे करेंगे नाश्ता, फिर करेंगी उज़्मा, फिर मैं। तो सबका नाश्ता देने के बाद चपातियाँ बनाऊंगी, और आज मैं गर्मा गर्म चपाती नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से ही बनाकर रख दूंगी। चिमटा खाना जल्दी, तो आज मैं पहले ही बनाकर रख दूंगी, क्योंकि ना आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, हमें निकलना है जल्दी से कामों से फ्री होकर, खाना वाना सबको खिलाकर। तो इसलिए
तो कर लेते हैं। तो गैस खाना बन चुका है, बच्चों का नाश्ता भी हो गया है। अभी आ गई हूँ बर्तन साफ करने के लिए, तो फटाफट से बर्तन क्लीन करके नाश्ता करके नहा कर और बाकी के छोटे मोटे काम देखने हैं और जो भी कुछ सामान वगैरह निकालना है, दरी फर्श वगैरह, वो उस्माने निकाल लिए हैं। तो मैं फटाफट से नाश्ता करके रेडी होती हूँ और जो मार्केट का काम है वो हवी जी और बच्चे करेंगे। मार्केट जाएंगे सामान लेने के लिए, नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए। तो बस फटाफट बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। बाबू ने पहने सेवानावाजी वाली ड्रेस जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और मैंने और उस्मान ने पहना है व्हाइट। दिखाते हैं आपको, उस्मान को भी दिखाती हूँ। मेरी लाडो, मेरी लाडो, हाँ रेडी है, हम तो रेडी हैं। ये रही हमारी उस्मान, ये सूट पहना है इन्होंने जो हम शिवपुरी से लेकर आए थे उस्मान के लिए, और स्वेटर वेटर पहन कर रेडी खड़ी है। बिल्कुल सर्दी हो रही है ना, बोल दिया है मैंने सर्दी वाले कोई भी काम मत करना, पानी वाले मैं सारे मैनेज कर लूंगी, तुम बस सूखे सूखे काम कर लो, झाड़ू वगैरह लगाने का काम कर लो, उठाई रखाई कर लो, फैलारे पसारे समेट लो। तो बस अभी हम लोगों ने सारे सब कुछ रख लिया है कार में और निकल रहे हैं, और जैद बाबू को गुस्सा आ रहा है, ये देखें घूम रही है। चीकू मैडम सोच रही है पता नहीं क्या चल रहा है, सब कहाँ की तैयारियों में लगे पड़े हैं। तो जेरी और चीकू घर पर रहेंगे। ये हमारे रेहान ने पहना है ग्रीन कुर्ता, हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं और घर के सारे कामों से फ्री होकर हम सभी लोग रेडी होकर निकल आए हैं। और देखें माशाल्लाह दादी अपने पोते के साथ आगे बैठी हैं कलाम पाक को लेकर। तो बस अभी हम लोग निकल आए हैं घर से कुरान खाने के लिए, और कहां पर जा रहे हैं बस आपके इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म। और बता देती हूं कि हम लोग कुरान खाने के लिए कहां जा रहे हैं। तो गाइज़ जो मैं खुशी आपको बता रही थी कि बहुत बड़ी खुशी है, तो खुशी वो ये है कि अल्लाह ताला के करम से और सबकी दुआओं के साथ गाइज़ हबी जी ने ली है बहुत बड़ी शॉप। तो अपनी पुरानी वाली शॉप से वो इस वाली शॉप में आएंगे, अभी आए नहीं हैं क्योंकि सबसे पहले हबी जी ने डिसीजन लिया है कि कुरान खानी करेंगे, और मम्मी ने भी बोला था कि हाँ कोई भी नाम अच्छा काम शुरू करने से पहले अल्लाह के नाम के साथ शुरू करेंगे क्योंकि कुरान खानी बहुत ज़रूरी होती है सबसे पहले। तो हम वही करवा रहे हैं कुरान खानी। तो यहाँ पर मैं आकर सबसे पहले झाड़ू लगाने लगी हूँ क्योंकि गंदा हो गया था, और इससे पहले मैं कल आके मैं और उज़्मा मम्मी हम लोग सभी लोग आए थे कल शॉप देखने के लिए और सफाई करने के लिए भी। तो हम लोग सफाई वगैरह कर कल चले गए थे, और यहाँ पर निमरा भी आई है हमारे साथ, तो वो भी बैठी है जैद बाबू को गोद में लेकर, और यहाँ पर बच्चे सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं। शानू है, रेहान फरहान और छोटू है जो दुकान पर लड़का काम करता है वो। तो बस यहाँ पर हमारी उस्मा ने सारा कुछ बिछाना शुरू कर दिया है और हम लोग अपने अपने कामों में लग पड़े हैं क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे और कुरान खानी शुरू हो जाएगी। तो बस फ़िलहाल देखें इस तरह से हमारी सारी प्रिपरेशन चल रही है। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला हम हबी जी की लाइफ में ये दिन लेकर आए कि उन्होंने इतनी बड़ी शॉप अपने लिए ली है। और किस लिए ली है गाइज़? क्योंकि हबी जी करने वाले हैं कोई नया काम शुरू, तो अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला की रहमतों से
अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि अभी जी ने इतनी बड़ी शॉप ली है और उसमें नया काम शुरू करने वाले हैं। और नया काम क्या शुरू करने वाले हैं ना गाइज़, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली से। कैसे छुपा सकती हूँ सब कुछ बताऊँगी आपको। अभी जी जो भी कुछ करेंगे और मेरी लाइफ में जो भी कुछ चेंज आएगा ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला के करम से ना देखें गाइज़, यहाँ पर मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है और सब कुछ डेकोरेशन सारी तैयारियाँ मैं यहाँ पर हम दोनों बहनें मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ने और उज़्मा ने बलून फैलाना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर मैं लगाती जा रही हूँ। तो बस इस तरह से सबकी हेल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारी निम्रा जो है वो वापस जा रही है। निम्रा जा रही है, हमारी मम्मी बैठी है जैद के पास। जैद से गया है। गाइज यहाँ पर मैं बोल रही थी कि ये सारी हमारी टीम खड़ी है, बस हमारी टीम की हेल्प के साथ मैं सारे काम कर रही हूँ। अभी जी भी रेडी, और जी हमारी उज़्मा मैडम उधर कॉर्नर में बैठी हुई है सामान समेटते हुए। और जी छोटा हीरो है, बड़ा हीरो छोटा हीरो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अच्छे से जाना ठीक है। बस अभी फरहान निकल रहा है निम्रा को लेकर, तो निम्रा तो जा रही है। तो चले गाइज अंदर चलते हैं और दिखाती हूँ आपको शॉप कितनी बड़ी है। तो गाइज़ यहाँ से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ अपनी डेकोरेशन के साथ, जो छोटी मोटी सी डेकोरेशन मैंने की है। और डेकोरेशन के बिना तो मुझे सारे काम अधूरे लगते हैं और सूना सूना लगता है। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन कर दी है। तो देखिए गाइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है हबी जी की शॉप जो उन्होंने नई ली है। और गाइज इसमें बने हैं वॉशरूम वगैरह भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर डले हैं सोफ़े वगैरह, तो हबी जी मम्मी और बच्चे वगैरह ये लोग सब लोग बैठे हैं। तो देखें माशाल्लाह, एक बार ज़रूर बोलिएगा आप लोग और बताइएगा हबी जी की शॉप कैसी है और जो भी प्रिपरेशन जो मैंने की है वो कैसी है। तो बस गाइज यहाँ पर हमारी उज़्मा बैठी है और हम लोग वेट कर रहे हैं सभी के आने का। तो गाइस तबरुक में जो देंगे ना वो है इमरती, गर्मा गर्म इमरती लेकर आए हैं अभी। तो गाइज़ आज का व्लॉग तो हमारा यहीं तक का था। तो बस यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है जो भी प्रिपरेशन मैंने की है कुरान खानी की वो। तो आप लोगों से ले लेती हूँ विदाई। और गाइज़ कुरान खानी का जो व्लॉग है ना वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल गाइज़ चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ नहीं कुरान खानी के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।